नमस्ते आदाब सत मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ़ लाइफ टैरो आज वीडियो का एंगल थोड़ा सा अलग है मेरे टैरो टेबल और जो uh, मेरे टैरो डेक्स है उसको रखने के लिए मैं नया फर्नीचर बना रही हूँ तो थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम है uh, लेकिन मैं चाहती थी कि मार्च महीने के रीडिंग्स जो हैं सब चले जाएं तो आज मैं रिकॉर्डिंग मेरे लिविंग रूम में कर रही हूँ अगर बच्चों की आवाज़ आती है किचन से आवाज़ आती है तो आई एम आई एम सॉरी बट देर इज़ नो वे आउट ये जो है मेरे क्वेरिस फ्रेंड्स के लिए है मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसा होगा अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आपका मून राइजिंग uh, या वीनस साइन देखें कैफे uh, एस्ट्रोलॉजी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पे यू कैन फाइंड आउट योर अदर प्लेसमेंट्स आके एंजल माइकल माई गार्डन एंजल्स एंड द यूनिवर्स होली स्पिरट एंड द डिंग प्लीज गिव आस एक्जैक्ट मैसेजेस विच आर इन दाइस गुड फॉर माई फ्रेंड्स हु हैव द सन मून राइजिंग एंड वीनस इन एक्वेरिस ये जो है प्राइमेरिली एक लव रीडिंग होगी अगर कोई और मैसेज आते हैं तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो रीडिंग जो है अक्वेरस फ्रेंड्स के लिए होगी अगर कोई क्रॉस वॉचर्स है तो यू आर वेलकम ऑल राइट लेट्स वेरी क्विकली फाइंड आउट आपका रिलेशनशिप जो है उसकी एनर्जी क्या है वॉट इज द एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप फॉर माई अक्वेरियस फ्रेंड्स ऑल राइट ओके ओवरऑल uh, एनर्जी जो है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट की एनर्जी है और उसके बाद जो है स्टार क्रॉस लवर्स है बोथ ऑफ यू विल वॉन्ट टू बी टूगेदर बट यू फील दैट द स्टार्स आर नॉट दैट द स्टार्स आर वर्किंग अगेंस्ट यू परहैप्स बैड टाइमिंग रॉकी स्टार्ट है ये एंड मटीरियलिस्टिक लव है तो एक तो अपोजिट अट्रैक्ट हैं आप चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ हो लेकिन डिवाइन टाइमिंग या सरकमस्टेंसेस ऐसी हैं कि आप जो हैं एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं रॉकी स्टार्ट हैं यहाँ पे रॉकी स्टार्ट्स कैन लीड टू हैप्पी एंडिंग्स यूल हैव टू डिसाइड इफ़ इट्स वर्थ द फाइट राइट ना आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है चिड़चिड़ झगड़े हो सकते हैं मे बी आप लोग जस्ट एक नए रिलेशनशिप में आए हैं या रिलेशनशिप में आने के लिए ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बिकॉज वी हैव ट क्रॉस लवर्स हेयर तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहता है कि आप डिसाइड करें कि आपको वेट एंड वॉच करना है लेकिन कार्ड्स यही कहते हैं कि जब शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आगे जाके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होता है एंड देन यू हैव मटेरियलिस्टिक लव तो एक इंसान जो है यहाँ पे शायद आ, पैसों के कारण मटीरियलिस्टिक चीज़ों के कारण ये रिलेशनशिप में है या मटेरियलिस्टिक चीज़ें पैसा जो है वो शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है रोमांस एंजल से देखते हैं फॉर माय अक्वेरियस फ्रेंड्स क्या मैसेजेस हैं ये आपके साथ राइट नाउ हो सकता है या मार्च के महीने में भी हो सकता है ओके वन मोर थैंक यू गिव योर रिलेशनशिप अ चांस है रिलीज योर एक्स है एंड कीप एन ओपन माइंड है काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे डिफरेंट स्टोरी लाइन्स हैं गिव योर रिलेशनशिप अ चांस तो अगर आप किसी के साथ राइट ना हो एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो डिवाइन की यही कहता है कि ट्राई एंड गिव दिस रिलेशनशिप अनादर चांस कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी और के साथ फंसे हुए हैं मे बी इनअ मैरिज इंगेजमेंट थर्ड पार्टी ये इंसान जो है आपके लिए शायद पैसों के लिए स्टक ऑन है और उसके कारण जो है आप आगे एक नए रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहे हैं एंड देन कीप एन ओपन माइंड है तो डिवाइन आपको यही कहता है कि एक ओपन माइंड रखें डिसीजनस uh, जो हैं लेने से पहले सब चीज़ों को क्लियरली सोचें बिकॉज़

आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी एंड कनेक्टिंग एनर्जी ओके

से मूव आउट कर रहे हैं आप यही कोशिश करने यू uh, नो you know, सब कुछ है आपके पास पैसा है गाड़ी है शहरत है लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में जो प्यार है वो प्यार जो है शायद मिसिंग है और आप जो है थोड़ा सा विड्रॉ हो गए हैं चुप हो गए हैं सोच रहे हैं कि यू you नो know, ये रिलेशनशिप का मतलब क्या है बिकॉज़ देर इज़ नो लव यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम लव और फ्रॉम दिस एनर्जी जहाँ पे आपको लगता है कि प्यार है या आपको लगता है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान जो हैं आपसे प्यार करते हैं या नहीं आपके पार्टनर की एनर्जी ये रिलेशनशिप में क्या है फाइव ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी हैं एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जो दूसरे की बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं आपके पार्टनर जो हैं यू नो कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा uh, you know, है, है चिड़चिड़ है बच बच बचपने वाली बातें जो हैं आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं ये इंसान जो है हाउ डू आई पुट इट झगड़ा करने के लिए सोचते नहीं है कि यू you नो know, कुछ भी हो जाए जल्दी से यू नो दे आर रेडी टू गेट इनटू अ फाइट और दे आर रेडी टू गेट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट अमन शांति जो है वो रखते नहीं है घर में जो है या आपके रिलेशनशिप में बहुत चिट, चिट टेंशन चल रही है एंड दैट इज़ द एनर्जी दैट योर पर्सन थिंग्स इज़ हैपनिंग इन द रिलेशनशिप ये आप दोनों की भी एनर्जी हो सकती है या तो आप जो है झगड़ा चिटचि टेंशन क्रिएट कर रहे हैं या आपके पार्टनर क्रिएट कर रहे हैं ओवरऑल एनर्जी जो है फोर ऑफ वॉन्ट्स की है एंड एस ऑफ सोट्स की एनर्जी है ये रिलेशनशिप को लेके आप दोनों जो हैं काफ़ी अब प्रैक्टिकल विचार कर रहे हैं कि एक्चुअली ये रिलेशनशिप में हो क्या रहा है अगर आप मैरिड हैं तो यू आर ट्राइंग टू यू नो सी एग्जैक्टली ये जो फ़ाउंडेशन है ये फ़ाउंडेशन की सच्चाई क्या है ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है अपना जो रिश्ता है वो रिश्ते की सच्चाई और जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है वो आप दोनों जो हैं एनालाइज कर रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं आप जो हैं आपके पार्टनर के लिए क्या फ़ील करते हैं आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए क्या फील करते हैं एंड व्हाट आर द कनेक्टिंग एनर्जीज़ ओके आप जो है आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंड यू वांट टू कम्युनिकेट एंड यू वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप अहेड अगर आप इफ़ यू आर सेपरेटेड और इफ़ यू आर लिविंग एक दूसरे से अगर अलग रह रहे हैं तो आप जो है उनको जाके मिलना चाहते हैं चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं फ्यूचर के बारे में बात करना चाहते हैं इसका ये भी मतलब है कि यू आर वॉन्टिंग टू प्लान अबाउट द फ्यूचर आप चाहते हैं कि फ़्यूचर में ये रिलेशनशिप के बारे में क्या हो इकट्ठा रहना है या नहीं रहना है कैप्रिकॉन की भी ये काफ़ी सिमिलर एनर्जी थी आपके पार्टनर जो हैं उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपने उनको छोड़ दिया है शायद अगर आप लोगों का एक ऐसा रिलेशनशिप था जहाँ पर आप इनकी पैसे की मदद करते थे और आपने वो पैसे की मदद करना बंद कर दिया है तो आपके इंसान जो हैं कहीं ना कहीं थोड़े से अपसेट है उनको लगता है कि जो स्टेबिलिटी ये रिलेशनशिप में थी या जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है रिलेशनशिप में थी वो जो है आपने उनसे ले ली है और उसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में झगड़ा चिड़चिड़ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कनेक्टिंग एनर्जी रिलेशनशिप की है यू हैव द नाइन ऑफ कप्स एंड द सेवन ऑफ सोर्ट्स आप दोनों को अब रियलाइज हो रहा है कि आप एक यू नो यू आपको लगता था कि आपके पार्टनर आपके विश फुलफ़िलमेंट है आपके पार्टनर को लगता था कि आप जो हैं उनके ड्रीम कम ट्रू हैं लेकिन राइट नाउ आप दोनों की यही कनेक्टिंग एनर्जी है जहाँ पे आ, आपको दोनों को लगता है कि शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं एक दूसरे के लिए आप गलत नहीं है आपका जो जो आ, जो ये रिलेशनशिप में जो विश फुलफ़िलमेंट थी या जो खुशी थी या ये जो एहसास था कि यस वी आर द परफेक्ट कपल या हम सुखी हैं या हम हैप्पी है वो जो फीलिंग वो जो एहसास है वो आपके रिलेशनशिप से निकल गया है तो राइट right नाउ आप दोनों को लगता है कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ खुश नहीं है अगेन ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा बहुत स्पेसिफिक स्टोरी लाइन है अगर नहीं रेजोनेट होता है तो आप आपका मून राइजिंग और वीनस देखें सॉरी टू इंटरप्ट अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो थर्ड और द फिफ्थ ऑफ मार्च से हमारा नया बैच स्टार्ट होगा बिगनर्स एंड एडवांस कोर्स इन टैरो जो है वो मैं सिखाऊंगी वी विल बी फॉर्मिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स और आप जो है इन अ ग्रुप लर्न करेंगे ऑनलाइन कोर्स हैं अगर आप जॉब भी करते हैं तो एट योर ओन पेस आप ये कोर्स कर सकते हैं एक महीने का कोर्स होगा एंड काफ़ी डिस्काउंटेड फीस में है तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ डू कॉन्टेक्ट मी डिटेल्स आई इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल राइट आप जो है ये रिलेशनशिप के लिए क्या एक्शन लेंगे वट वट आर गोइंग टू बी योर एक्शन फॉर दिस रिलेशनशिप योर पार्टनर्स एक्शंस एंड कनेक्टिंग एनर्जी ओके okay. आप जो हैं ये रिलेशनशिप में जस्टिस चाहते हैं मेरे क्वेरिज फ्रेंड्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप शायद ये रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं आप ये रिलेशनशिप में खुश नहीं है दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस का कार्ड है आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं या uh, यहाँ पे है पाइसिस भी हो सकते हैं आप ये रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं आप शायद डिवोर्स चाहते हैं या आप एक सेपरेशन चाहते हैं या आप जो हैं ये रिलेशनशिप में जो सही है वो करना चाहते हैं यू आपकी सच्चाई आपको पता है लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि योर एनर्जी हर आई फील इज़ डेट अगर चीज़ें बच सकती हैं तो क्यों नहीं लेकिन कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रहा है कि शायद रिलेशनशिप में अब म्यूचुअल प्यार या अट्रैक्शन नहीं है uh, अगर डिवोर्स की बात चल रही है सेपरेशन की बात चल रही है तो ये चीज़ें जो हैं आपको डरा रही हैं यू आर नॉट इन अ पोजिशन मेंटली टू टेक एक्शन जो uh, सही चीज़ें हैं ये रिलेशनशिप को लेके, जो फेयर है वो करने के लिए जो है राइट नाउ आप काफ़ी डरे हुए हैं आपके पार्टनर जो हैं uh, पाइसी हो सकते हैं सिक्स ऑफ कप्स एंड हैंगमैन की एनर्जी है अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है या आपके पार्टनर ये रिलेशनशिप से दूर चले गए हैं तो ये जो है रिकन्सिलियेशन के मूड में नहीं है ये दे आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग की होता क्या है आप क्या स्टेप लेते हैं इनकी तरफ आपकी तरफ आने के लिए भी जो है ये राइट नाव रेडी नहीं है Uh, कुछ दे हैव जस्ट सरेंडर्ड बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें वो चाहते हैं जो शायद राइट right नाउ आप उनके लिए कर नहीं पा रहे हैं तो आपके पार्टनर इज़ नाउ जस्ट सरेंडर्ड ये जो एनर्जी है ऑफ़ यू नो बीइंग इन लव विद यू और वॉट टू डू अबाउट दिस रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन करना है या नहीं इसके बारे में ये अब uh, दे आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग देख रहे हैं कि अब होगा तो क्या होगा उन्होंने सरेंडर कर दिया है और शायद वेट कर रहे हैं कि आप कुछ एक्शन लें आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी जो है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है इन एक्शन कहीं ना कहीं प्यार आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए है आ, और वो प्यार के बारे में एक्जैक्टली exactly क्या करना है आप दोनों सोच रहे हैं या कनेक्टिंग एनर्जी में मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे इट इज़ रिलीज योर एक्सो आई फील दैट इट इज़ मोर सो so दैट आप दोनों जो हैं आ, कहीं और एक नए प्यार में इंटरेस्टेड हैं या आप दोनों जो हैं ये रिलेशनशिप से निकल के एक नई प्यार की तरफ जाना चाहते हैं आप या आपके पार्टनर या दोनों को जो है न्यू पर्सन में भी कमिंग इन टू योर लाइफ इन मार्च एंड जब आपको एक नया प्यार आपके लाइफ में दिखेगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि शायद ये जो आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसे निकलना है या नहीं टू मेक अ न्यू ऑफर इन लव आप लोग जो हैं उसके बारे में सोच रहे हैं मार्च का महीना जो है आप लोगों का इसी में जाएगा कि uh, प्यार को लेके करना क्या है या तो एग्जिस्टिंग प्यार जो है uh, उसमें आप दोनों uh, को क्या करना है डिवोर्स लेना है रिकनसाइल करना है एक दूसरे से अलग होना है और अगर uh, एक नया प्यार आपके लाइफ में आ रहा है तो वो नए प्यार का आप लोगों को क्या करना है इट इज़ गोइंग टू बी अंथ ऑफ यू you नो know, अपनी सच्चाई जो है उसको फेस करना है इधर यू हैव टू रिलीज योर एक्स और यू हैव टू हैव द करेज टू फेस योर ट्रूथ वॉट इज द फ्यूचर आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप इन मार्च स्पाइसीज एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रांग है मार्च के महीने में जो है आप लोग uh, ट्रैवल कर सकते हैं आप लोग एक ब्रेक ले सकते हैं एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन है जो आप लोगों की सच्चाई आपने जो एक दूसरे को बतानी है वहाँ पे जो है आप थोड़ा सा यू नो यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू अवेकनिंग, यू आर गोइंग टू गेट सम आंसर्स अपने गट फीलिंग अपने इंट्यूशन को जो है आप फोकस करेंगे हाई uh, प्रिस्टिस का कार्ड जब आता है तो इसका ये भी मतलब है कि यू you नो know, ये कम्युनिकेशन करने के लिए एक दूसरे की तरफ जाने के लिए जो हैं आप काफ़ी शांत होंगे घाई uh, गड़बड़ की एनर्जी नहीं है यू आर गोइंग टू कीप योर थिंग्स विद इन योर सेल्फ अगर आप एक डिवोर्स प्लान कर रहे हैं सेपरेशन प्लान कर रहे हैं तो आप जो है थोड़े से सीक्रेटिव हो सकते हैं थोड़े से क्वाइट हो सकते हैं अपनी मुट्ठी बंद करके रखेंगे अपनी फीलिंग्स को जो है ओपनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे Uh, सच्चाई जो है ये रिलेशनशिप या रिलेशनशिप में जो फास्ट एक्शन लेना है uh, मन में जो है आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उस पर जो एक्चुअल एक्शन लेना है उसमें जो है आप थोड़ा सा टाइम लगाएंगे मंथ का महीना मार्च का मंथ जो है आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी मोर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन फॉर यू सोचने का कि ये रिलेशनशिप में जो uh, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो है उसका करना क्या है वेदर उस पर वर्क करना है या हिम्मत दिखा के जो है ये रिलेशनशिप को छोड़ देना है एंड अगेन आई फील एक नया इंसान जो है आपके लाइफ में ज़रूर आएगा एक इंसान आपके लाइफ में है जो आप आ, से सिर्फ पैसों के लिए ये रिलेशनशिप में है या तो ये इंसान है जिनसे आपको ये रिश्ते से जाना है ऑल्सो आपके लाइफ में कोई और एक इंसान हो सकता है जो आप आ, से यू you नो know, Uh, आपसे प्यार करते हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन आप जो हैं कहीं फंसे हुए हैं सो इट इज गोइंग टू बी मार्च इज गोइंग टू बी अ टाइम ऑफ डिसीजन फॉर यू सोचना पड़ेगा आपको कि एग्जैक्टली uh, exactly आपको करना क्या है ऑल राइट मुनोलॉजी से जो है आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है व्हाट इज द एडवाइस फ्रॉम मोनोलॉजी फॉर द मंथ ऑफ मार्च अ पर्सनल ईशू रीचेज रेजोल्यूशन कैप्रिकॉन के लिए भी आया था एक पर्सनल इशू जो है जो है जो आपको तंग कर रहा है उसका एक आपको निकाल ज़रूर आएगा योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान जो भी आपकी इच्छा है जो भी आप सोच रहे हैं उसको पाने के लिए जो है आपको एक एक्शन करना होगा एक प्रैक्टिकल प्लान करना होगा तो ही जो है आप ये कर पाओगे कहीं ना कहीं आप करने वो करने के लिए जो है आप डर रहे हैं एंड डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस आपको जो है अगर सक्सेस चाहिए है तो आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा आपके जो प्लान्स हैं उसको जो है एक आ, आपके जो ड्रीम्स हैं उनको एक प्रैक्टिकल प्लान में आप चेंज करें एंड देन लक इज़ ऑन योर साइड डरे ना बिकॉज लक जो है डिवाइन जो है वो आपके साइड पे जरूर है ऑल राइट फाइनली जो है रोमांस एंजल्स से देखते हैं फॉर माय अक्वेरियस फ्रेंड्स एडवाइस फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर माई अक्वेरस फ्रेंड्स वेरी सिमिलर एनर्जी बिटवीन कैप्रिकॉन की रीडिंग में और आपकी रीडिंग में काफी सिमिलैरिटीज हैं वही ऑल राइट रिमीन पॉजिटिव कम्युनिकेट क्लियरली टेक एक्शन एंड ये ऑल राइट ये डिवाइन आपको हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं आपको यही बार बार बता रहे हैं कि आ, हिम्मत ना हारें जो आप चाहते हैं उससे जो जो आप रियली really मन से चाहते हैं उस पर आप ज़रूर फोकस करें बिकॉज लक इज़ ऑन योर साइड और वो चीज़ें ज़रूर होगी द आंसर इज़ अ येस yes. टेक एक्शन है आप एक्शन ले डरें ना कम्युनिकेट क्लियरली जो आपके दिल में है उसको जो है आप ओपनली कम्युनिकेट करें एंड रिमेन पॉजिटिव दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर माई फ्रेंड्स हो हैव द सन मून राइजिंग ऑफ वीनस एंड कैप्रिकॉन एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशन हाई वॉट यू फोकस ऑन इज वॉट यू गैट एंड आई विल सी योर नेक्स्ट रीडिंग थैंक यू सो मच